हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूंगफली, ये जो बारिश की सीज़न में मिलती है हमारे यहाँ गुजरात में, तो बहुत ही मिलती है और काफ़ी ये हेल्दी भी होती है। ये एकदम फ्रेश है और ये ड्यूरिंग मॉनसून सीज़न ही इस तरह से मिलती है। जो आज हम इसको बॉईल करेंगे, तो सबसे पहले इस तरह से जो मूंगफली आती है ये एकदम ही सॉफ्ट होती है। इसके अंदर का जो दाना होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। जो नॉर्मल मूंगफली हम पोहे में और उस तरह से डालते हैं उसकी कंपैरिजन में ये इसका जो दाना होता है वो काफ़ी सॉफ्ट रहता है। आप देख सकते हो इसका कलर। तो ये जो मूंगफली होती है वो बहुत ही हेल्दी होती है। मूंगफली बॉईल करने के लिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही मिट्टी होती है, ये ज़मीन के अंदर होती है, तो इसी वजह से हम दो तीन बार इसको वॉश करेंगे, उसके बाद ही इसको यूज़ करेंगे बॉईल करने के लिए। दो से तीन बार इस तरह से हम हाथों से रगड़ रगड़ कर वॉश करेंगे। आप देख सकते हो पानी जो है वो एकदम मिट्टी वाला हो जाएगा। तो ये पानी आपको सिंक में नहीं डालना है, ये पानी आप प्लांट्स में ऐड कर सकते हो। ये जो पानी है ये मिट्टी वाला है, तो आप सिंपली प्लांट्स में ऐड कर सकते हो। वॉश हो जाने के बाद ये जो मूंगफली होती है उसके नीचे इस तरह से होता है और ऊपर थोड़ी पॉइंटेड होती है, आप देख सकते हो। तो यहाँ की जो ये ऊपर की सरफेस है वो हम इस तरह से सिंपली प्रेस करेंगे और सिर्फ इतना ही आपको ओपन रखना है ये जो है। तो इसी तरह से हम सारी मूंगफली, ये नीचे का पार्ट है ये ऊपर का है, जिसको हम इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा कर देंगे। बॉईल करने के लिए मूंगफली ये आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, तो इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा दाना जो होता है उसका। आप देख सकते हो इस तरह से आवाज़ भी आएगी। हमें पूरी मूंगफली नहीं कट करनी है दो पार्ट में, लेकिन सिर्फ ऊपर का इतना ही रखना है ताकि जो गर्म पानी है वो इसमें से अंदर जा सके और जो जो भी हम इसमें डालेंगे तो वो दाने में उसका स्वाद आए। सारी मूंगफली हम कुकर में ऐड करेंगे, कुकर में या तो फिर आप बड़े से बर्तन में भी इसको बॉईल कर सकते हो, लेकिन कुकर में ये ज़्यादा जल्दी और कम वक्त में हो जाएंगी। पानी ऐड करेंगे इतना, जिसमें हम एक चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे जो डाइजेशन के लिए बेस्ट रहता है। मूंगफली जो है वो डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो और इजीली डाइजेस्ट हो जाए, इसी वजह से हमने यहाँ पे इसमें अजवाइन डाला है, जिससे टेस्ट भी बढ़िया आएगा और स्वाद भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप अगर ज़्यादा अजवाइन का जो टेस्ट है वो रखना चाहते हैं तो आप इसको आधे घंटे इस तरह से भिगो के भी रख सकते हैं मूंगफली को। आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, दोनों चीज़ें मिक्स कर देंगे। लास्ट में अब हम ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए आप इसको एज इट इज़ आधे घंटे के लिए इस तरह से भिगो कर रख सकते हो। थोड़ी देर के बाद कुकर बंद करके 10 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे, 2 से 3 विसल तक। कुकर ओपन करेंगे, अजवाइन की बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रही है। आप चाहो तो इसी पानी में आप और भी ज़्यादा मूंगफली बॉईल करने के लिए रख सकते हो, अगर आप एक साथ ज़्यादा करनी हो और कम छोटा कुकर हो तो। आप देख सकते हो एकदम दाने जो है वो एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, एकदम ही गर्म है। ये ऊपर से तो हमने इस तरह से तोड़ा ही था शुरुआत में। गर्मा गर्म खाने की मज़ा ही कुछ अलग है, जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। एक बार अगर आप इस तरह से खाओगे तो मूवी देखते वक्त पॉपकॉर्न आप बिल्कुल भी भूल जाओगे और यही आप प्रिफर करोगे। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मूंगफली घर पे लाओ तो इस तरह से आप बॉईल करके ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके आप ज़रूर सर्व करना। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय।